आइए हम एक राउंड लेते हैं इसकी मैस का और इसके किचन का, और यहाँ पर हम पता करते हैं कि हम लोग किस तरीके से बच्चों को सर्व करते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं। चलिए चलते हैं। थैंक यू। तो ये इस तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय उधमपुर में ये रोटियां बनती हैं। ये नवोदय विद्यालय की मैस है। इस तरीके की ये हमारे पास चपाती मेकर प्लेट है, ये हॉट प्लेट है। अभी क्योंकि बच्चे कम हैं, विंटर समर वेकेशन पड़ गई है, तो इसलिए एक ही आदमी है जो कि चपाती लगा रहा है, वरना यहाँ पर दो लोग चपाती लगाते हैं और दो लोग उसको सेकते हैं। ये वॉशिंग स्टेशन है। ये हमने एक फ्रिज रखा हुआ है यहाँ पे, रेफ्रिजरेटर। इसमें हमारे पास हम दूध और जो भी हमारा सामान है वो हम यहाँ रखते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि यहाँ पर पनीर रखा हुआ है ताकि हम इसे प्रिजर्व कर सकें। मैस में इस जगह पर खाना बन रहा है, दाल बन रही है, आज मिक्स दाल है। साथ में हम यहाँ पर चावल बना चुके हैं, बच्चे कम हैं इसलिए, वरना जब 500 लोगों की स्ट्रेंथ होती है तो बहुत ज़्यादा खाना बनता है। हमारे कुक ये तड़का पहले ही रेडी करके रखते हैं। दाल में एक आध उफान आने पे, गड़की आने पे इसमें तड़का मिला देते हैं। ये बड़े बड़े प्रेशर कुकर हैं, ये हमारे पास 65 लीटर का प्रेशर कुकर है और ये 35 लीटर का प्रेशर कुकर। कैजुअल वर्कर्स हैं जो मेहनत करते हैं, खाना बनाते हैं। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर है, यहाँ पर हम चावल बांटते हैं बच्चों को, यहाँ पर दाल, इस जगह पे बनी हुई रोटी, यहाँ पर टोकरी रखी जाती है, यहाँ पर बच्चों को स्केल के अकॉर्डिंग 2 रोटी 3 रोटी हम उनको देते हैं। यहाँ पर हम उनको सब्जी देते हैं, एक एक कड़छी, और यहाँ पर अगर हमारे पास दूध होता है तो हम दूध देते हैं, दही होता है तो हम दही देते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि हमें मदद करता है बजटरी डिसाइड करने के लिए। अब जैसे मैं आपको कुछ दिनों पहले का दिखाता हूँ, ये 18 मई 2022 का है। ये ब्रेकफास्ट की स्ट्रेंथ है 489 स्टूडेंट्स। ये डिनर की स्ट्रेंथ है, यहाँ पर किसी ने लंच की स्ट्रेंथ भरी नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रेकफास्ट 484 489 489। जो हमारी रात की स्ट्रेंथ होती है हम उसके अकॉर्डिंग, ये 17 तारीख की स्ट्रेंथ थी 489, इसके अकॉर्डिंग हम 18 तारीख का फोरकास्ट कर लेते हैं कि हमारे पास कितने बच्चे होंगे। कम से कम ब्रेकफास्ट में उतने ही बच्चे होंगे, 489 489, फिर बच्चे चले जाते हैं। इसको मैस अटेंडेंस रजिस्टर कहते हैं। ये हमारा डाइनिंग रूम है, इसे डाइनिंग हॉल कहना ही सही रहेगा। बहुत सारे स्कूलों में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों सेपरेट होते हैं, हमारे पास भी सेपरेट है, लेकिन बॉयज़ का काफ़ी दूर है यहाँ से, तकरीबन 200-250 मीटर की दूरी पर। तो अभी आजकल हम पूरी कोशिश करते हैं कि फुल स्ट्रेंथ पर हम इसी में एक शिफ्ट में पहले गर्ल्स को खिला दें और फिर एक शिफ्ट में हम बॉयज़ को खिला दें। दिक्कत तो काफ़ी होती है लेकिन हम इसको फेस कर ले जाते हैं।